हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल डीएमएस बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में मैं एनआईटी जालंधर की प्लेसमेंट्स बताऊंगा 2022 के लिए, और पूरी डिटेल में बताऊंगा जैसा कि हमेशा की तरह बताता हूं। और इस वीडियो के अंदर मतलब एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब बीटेक में एक एक ब्रांच की एकदम जेंडर डाइवर्सिटी वाली मतलब पूरी डिटेल में एक एक ब्रांच की मैं करूँगा, चाहे वो सीएस की कितना एवरेज है, क्या मीडियन है, कितने स्टूडेंट प्लेस हुए, कितने मेल कितने फीमेल प्लेस हुए, कितने मेल फीमेल हैं ब्रांच वाइज, पूरी डिटेल में क्या पैकेज, कौन सा सेक्टर, क्या जॉब प्रोफाइल है, कौन सी कंपनीज़ हैं, पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ। और स्किप मत करना, समझ में नहीं आएगा, वैसे अगर समझ में आ भी जाएगा तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना। तो देखो, ये ब्लू में जो है वो नंबर, वीडियो स्टार्ट कर दिया है हमने, नंबर ऑफ़ एलिजिबल स्टूडेंट्स है, और पर्पल कलर में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ब्रांच वाइज यहाँ पे डायरेक्ट मैंने कर दिया है। इसी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते रहना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, 91 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिनमें से 84 प्लेस हो गए हैं, तो बहुत अच्छा है ये। और ईई की बात करें मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 28 में 22 हैं यहाँ पे, तो ये भी सही है। सीएस की बात करें तो 89 में 79 है। देखो 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं है इस मतलब इस कॉलेज में, किसी भी ब्रांच में नहीं है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें तो 28 में 24 प्लेस हुए हैं। सीएचई मतलब केमिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 73 में 57 प्लेस हुए हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, आईसी है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम बात करें 69 में 59 प्लेस हुए हैं। ब्रांचेज इसमें बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज बहुत अच्छा है। और एनआईटी जालंधर की अगर हम बात करें, अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली पंजाब में है, और इसकी मतलब बहुत अच्छी एनआईटी है। अब इसको मैं एनआईटी सूरतकल या एनआईटी वारंगल से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वैसे देखी जाए तो बहुत अच्छी एनआईटी है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एनआईटी जयपुर से, एनआईटी नागपुर, एनआईटी मतलब अच्छी एनआईटी से कंपेयर कर सकते हैं। नॉट टॉप 5 टॉप 10 के अंदर इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सिविल की बात करें तो बैच बड़ा है लेकिन प्लेसमेंट रेट बहुत कम है, 80 में 35 ही प्लेस हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, आईपीई मतलब इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, यहाँ पे 64 में 50 प्लेस हुए। इवन यहाँ पे सिविल से भी बेटर प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, सिविल की ही सबसे कम प्लेसमेंट रेट है। और यहाँ पे नेक्स्ट है एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 86 में 69, बीटी बायोटेक्नोलॉजी में 24 में 12 50% प्लेसमेंट रेट, और टीटी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 48 में 26 अप्रॉक्स 55% प्लेसमेंट रेट। अब इसके बाद और भी डिटेल्स बताऊंगा मैं, सिर्फ इतनी ही नहीं बतानी थी। नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स ब्लू में है नंबर ऑफ़ एलिजिबल स्टूडेंट्स, ऑरेंज में है नंबर ऑफ़ जॉब ऑफर्स, और ग्रीन में है नंबर ऑफ़ डबल जॉब ऑफर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका भी और ऊपर वाले का भी। मैं और छोटा कर देता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप पहले वाले का तो आप ऊपर जा पीछे करके वीडियो देख के ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ईसीई की देख सकते हैं यहाँ पे जॉब ऑफर्स 142 हैं और एलिजिबल स्टूडेंट्स 91 हैं, तो यहाँ पे जॉब ऑफर्स ज़्यादा है इवन, फिर भी प्लेसमेंट इतनी हुई नहीं। इलेक्ट्रिकल की बात करें 28 स्टूडेंट्स हैं और 27 जॉब ऑफर है, और ग्रीन वाले डबल जॉब ऑफर्स हैं। सीएस की बात करें 89 स्टूडेंट्स हैं नंबर ऑफ़ एलिजिबल स्टूडेंट्स, और 125 जॉब ऑफर्स है। देखो यार ईसीई ब्रांच बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और इवन बहुत अच्छी ब्रांच है भी है ये, सेकेंड और थर्ड बेस्ट ब्रांच है ये इंडिया में, या किसी भी कॉलेज में मोस्टली सेकेंड या थर्ड बेस्ट ब्रांच रहती है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट आईटी की बात करें तो 28 स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जिनमें से 41 जो हैं जॉब ऑफर्स आए हैं। सीएचई मतलब केमिकल में 73 स्टूडेंट्स हैं, 62 जॉब ऑफर है। आईसीई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी सही है, 69 स्टूडेंट है, 77 जॉब ऑफर्स है। सिविल में 80 स्टूडेंट है, 40 जॉब ऑफर्स हैं, कम है यहाँ पे। आईपीई बताया इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वहीं आईपीई में देख सकते हैं आप 64 एलिजिबल हैं, 56 ऑफर हैं। मैकेनिकल में 86 एलिजिबल है, 79 ऑफर हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 24 स्टूडेंट्स हैं, 13 ऑफर्स हैं। 48 टीटी में 48 स्टूडेंट्स हैं, 28 ऑफर्स हैं। टीटी मतलब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। अब एवरेज पैकेज की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और आप सब जानना भी वही चाहते हैं, मोस्टली सभी एवरेज पैकेज ही जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कलर वाइज ही दिया हुआ है अगेन, और फुल
ब्रांच नेम नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन यहाँ पे समझाया हुआ है। देखो ईसीई की बात करिए, यहाँ से शुरू करो, ये जो राइट में है ऊपर ब्लू में ईसीई, यहाँ पे एवरेज पैकेज 15.25 लैक्स पर एनम का है, बहुत अच्छा है ये। ईई मतलब इलेक्ट्रिकल का एवरेज पैकेज 11.65 का है, वहीं सीएस का 15, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 15.71 लैक्स पर एनम का एवरेज पैकेज है, जो कि सबसे ज़्यादा है, मतलब जो हाईएस्ट एवरेज पैकेज है यहाँ पे वो कंप्यूटर साइंस का, और ऑब्वियसली किसी भी कॉलेज में सबसे हाईएस्ट एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का ही रहता है मोस्टली। आईटी में यहाँ पे 14.76 है एवरेज पैकेज, सीएचई मतलब कि सीएचई केमिकल है यहाँ पे 7.62 लैक्स पर एनम का, मैं ऊपर चला गया नीचे है। आईसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 10.86 लैक्स पर एनम का, जो कि अच्छा है। सिविल की बात करें 7.06 है, बहुत डाउन है, इवन सबसे डाउन यही है सिविल का ही आई थिंक। और आईपीई ये इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में यहाँ पे 7.27 लैक्स पर एनम का एवरेज है, वहीं मैकेनिकल में 7.87 का, बायोटेक्नोलॉजी में 7.65 का, और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 7.64। हाईएस्ट एवरेज पैकेज सीएस का है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का है ईसीई का, थर्ड हाईएस्ट आईटी का है यहाँ पे, और फोर्थ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल का है, और फिफ्थ हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का है। ये टॉप फाइव ब्रांचेज है एनआईटी जालंधर में, आप जाके अगर आपको पता भी करना है कि कौन से टॉप फाइव ब्रांचेज है एनआईटी जालंधर में, तो ये टॉप फाइव है, और लोवेस्ट तो सिविल देख सकते हैं प्लेसमेंट वाइज। अब जेंडर डाइवर्सिटी मैं अभी भी बताऊंगा, हाईएस्ट पैकेज भी बताऊंगा ब्रांच वाइज, यहाँ एवरेज पैकेज पे बात खत्म नहीं होती है। जेंडर डाइवर्सिटी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैं एक एक बताऊंगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, मुझे और भी डिटेल्स आपको बतानी है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है और इस ब्रांच में, और कितनी प्लेस हो गई उनमें से, और नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कितने हैं और कितने प्लेस हो गए हैं, पूरे डिटेल में लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक एक बताऊँगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अब लेकिन अगर आप चाहते हैं कमेंट करना तो मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा समझाने के लिए आपको। हाईएस्ट पैकेज जो कि और इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो यहाँ पे देखो फुल फॉर्म यहाँ पे ब्रांच का लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अगर मेरा कोई गलत, वैसे ब्रांच मैंने बताई नहीं फुल फॉर्म, अगर होगी शायद गलत तो यहाँ पे पता चल जाएगी, वैसे कोई गलत है नहीं। इवन कंपनीज भी दी गई हैं किस कंपनी में हाईएस्ट पैकेज गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका भी अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितनी भी डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगेन ईसीई से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, हाईएस्ट 44 का गया हुआ है, और ईसीई का ही हाईएस्ट गया हुआ है जो कि सीएस का नहीं गया, यहाँ पे 44 का है, अमेजोन की तरफ से क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांच हम देखें अगर, तो वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे रेड में है अमेजोन के नीचे, विंजी या विंगी जो भी लिखा है, 25 लैक्स पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हाईएस्ट ओनली 19.34 लैक्स पर एनम का गया हुआ है लोएस इंडिया में, और 19.34 से ऊपर नहीं गया सीएस में, 20 या 20 से ही ऊपर नहीं गया, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतनी कम हाई होने के बाद भी एवरेज बहुत अच्छा मेंटेन करा है, मतलब सीएस का पैकेज बहुत अच्छा गया है यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट आईटी की, तो यहाँ पे 16.77 का है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स से, और एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा मेंटेन करा है आईटी ने अगर देखा जाए तो, मतलब अगर ऐसे इस नज़र से देखा जाए तो सबसे बेस्ट यहाँ पे सीएस है, फिर आईटी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज इसलिए इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हाईएस्ट पैकेज इलेक्ट्रॉनिक्स में गई थी। केमिकल की बात करें यहाँ हाईएस्ट तो यहाँ पे एक्वालाइट डिजिटल में है 11 लैक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में ओरेकल का 16.65 लैक्स पर एनम का है, सिविल की बात करें यहाँ फ्लिपकार्ट पे है 13.52, अगेन यहाँ पे इंडस्ट्रियल की बात करें तो फ्लिपकार्ट में ये 13.52, और मैकेनिकल की बात करें तो फ्लिपकार्ट अगेन 13.52, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पे तो एलएनटी इंफोटेक में है 6.5, यहाँ पे टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ पे 7.92 है फिजिक्स वाला, हाईएस्ट पैकर ऑफर लैक्स पर एनम, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। आपको नहीं लगता है यहाँ पे कुछ गलत बताया इन्होंने, लेट्स देखते हैं क्या, अब ऑफिशियल डेटा है ये बिल्कुल, मतलब एनआईटी जालंधर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनआईटी जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये चेक करा है, डाउनलोड करा है। नेक्स्ट है कैटेगरी एंड सेक्टर ऑफ रिक्रूटर्स, कैटेगरीज यहाँ पे दिया है किस कैटेगरी में प्लेसमेंट हुई है, तो प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, स्टार्टअप, इन सभी में हुई है, ये सारी कैटेगरीज हैं। और सेक्टर किस में गई हैं, कोर इंजीनियरिंग में भी है, आईटी सेक्टर में भी प्लेसमेंट हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, बैंकिंग में, डेटा एनालिटिक्स में, फाइनेंस में, एजुकेशन, कोचिंग एकेडमिक्स मतलब कि फिजिक्स वाला भी ऊपर देखा आपने, या फिर और भी हो सकते हैं, टीचिंग में,
इनके कहने का मतलब ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ब्रांच वाइज देखो कहाँ पे, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटा है और ये शायद ही, और अच्छी चीज़ ये है कि यार NIT जालंधर ने एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है अपने वेबसाइट पर। बहुत से कॉलेजेस अपनी डिटेल नहीं बता पाते हैं, तो मैं गलत तो लाऊंगा नहीं, जितनी डिटेल मुझे मिलती है ऑफिशियली उतनी ही डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे IT कंपनीज़ में कहाँ कितनी है, ब्लू में IT कंपनीज़ है, कोर रेड में है, PSU ग्रीन में है, नॉन कोर पर्पल में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली IT कंपनीज़ ही गई हुई हैं हर जगह। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे इसका। अब मैं चलता हूँ वाइड एरे ऑफ जॉब प्रोफाइल की तरफ चलता हूँ, और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अभी वीडियो कम्प्लीट नहीं हुई है। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स, टेक्नो बैंकर, एसोसिएट कंसल्टेंट, डेटा इंजीनियरिंग एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, GET एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, डिज़ाइन ट्रेनी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपर। देख सकते हैं आप इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेक्टर वाइज जॉब ऑफर, अब मैं आपको पैकेजेस भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा उसके लिए, मतलब अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जाननी है आपको। यहाँ पे देखो सेक्टर वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगेन। तो अब इसके बाद हम बात करें परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 92.31% इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और फिर इलेक्ट्रिकल में 78%, CS में 88%, IT में 85%, CHE मतलब केमिकल में 78%, इंस्ट्रूमेंटेशन में 85%, सिविल में 43%, इंडस्ट्रियल में 78%, मैकेनिकल में 80%, बायोटेक्नोलॉजी में 50%, टेक्सटाइल में 54%। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बेस्ट अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, मतलब प्लेसमेंट रेट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का गया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो CS का ही गया हुआ है, CS, और CS के बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट तो वो गया हुआ है ये इंस्ट्रूमेंटेशन का गया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा, सॉरी IT का गया है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का गया है। अब मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी अगर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू CTC ऑफर्स, अब CTC को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेस देन 5 लाख पर एनम, मतलब कि जो ब्लू में है कितनी, मतलब कि टोटल जितनी भी प्लेसमेंट हुई है जितने भी स्टूडेंट्स की, उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट्स के जो पैकेज है वो 5 लाख से कम है, तो ओनली 5.44%, बहुत कम है ये। और 5 to 10 lakhs पर नम में सबसे ज़्यादा लाई करते हैं 50% से भी ज़्यादा, मतलब हाफ से भी ज़्यादा, 56.62%। ग्रीन में है 10 to 15 lakhs पर एनम वाले 18.82%, एंड मोर देन 15 lakhs वाले यहाँ पे 20.44%, जो कि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर सपोज़ एग्जांपल के लिए अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 20% समझ जाओ, ऑब्वियसली 200 स्टूडेंट्स जो हैं उनको 15 lakhs से ऊपर का पैकेज, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको NIT सूरतकल और NIT वारंगल से कंपेयर नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ज़्यादा ये भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। अब मेजर रिक्रूटर्स की बात करें कंपनीज़ की, तो यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो, सैमसंग, जियो, एक्सिस बैंक, पेटीएम, बहुत सारी, अमेजोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो शायद ही आपको मिले, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको भी ये वीडियो मेरी पसंद आए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, सही नॉलेज मिले। तो उसके लिए, और देखो वीडियो मैं डेली लेके आता हूँ, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, वीडियो मैंने बोला है कि डेली लाऊंगा तो डेली लाऊंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देता मैं कि एक हफ़्ता वेट करो या 10 दिन वेट करो या 2 दिन वेट करो, डेली लेके आऊँगा, डेली आपको नॉलेज मिलेगी। और कवर्स टॉपिक बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल्स देनी है मुझे कम से कम टाइम में, इसलिए मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ, और एक दिन में कई सारी वीडियो लाना पॉसिबल नहीं हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, वैसे पॉसिबल तो हर कुछ भी है, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे IIT, NIT, IIIT, GFTI और भी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, VIT, SRM, सबकी प्लेसमेंट, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, कैंपस टूर, सबकी करनी है। तो समझ सकते हो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और कवर करना है जल्द से जल्द, इसलिए मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ। यहाँ पे आप कंपनीज़ देख सकते हैं, तो यह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या बताना हो तो भी, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक, IDKI की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।